हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जहां पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है आज के वीडियो में हम इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट तो इसमें हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है तो इसमें पावर का फॉर्मूला पी इक्ल टू वी आई होता है जहाँ पर पी पावर वी वोल्टेज और आई करेंट है इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई आर से या इसी को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर इसमें पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर या हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन आर या आई इक्वल टू रूट पी अपॉन आर वहीं हम पी इक्वल टू लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर या वी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं पी आर और वी इक्वल टू रूट पी आर तो इसमें हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सेकंड सही है पी इक्वल टू वी आई ऑप्शन थर्ड आई इक्वल टू रूट पी अपॉन आर ये ऑप्शन भी सही है रिलेशन भी सही है और फोर्थ है इसमें वी इक्वल टू रूट पी आर तो ये अभी सही ऑप्शन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी इक्वल टू वी अपॉन आर स्क्वायर क्योंकि इसमें केवल क्यों यही ऑप्शन इनकरेक्ट है इसमें दूसरा क्वेश्चन है वेन अ प्योर सेमी कंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि प्योर सेमी कंडक्टर को हीट देने पर या इसका टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर इसके रेजिस्टेंस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसका आंसर आ जाएगा डिक्रीज जब हम किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है जब हम किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कॉन्सेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है नेगेटिव यानी जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है इसके बाद है इसमें इंसुलेटर इंसुलेटर का भी टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है इसलिए इसका टेम्परेचर कॉपसेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी नेगेटिव होता है वहीं कंडक्टर कंडक्टर का टेम्परेचर कॉपसेंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है यानी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है इसमें अगला क्वेश्चन है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी वन के जी या किलोग्राम्स तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी वन के जी वही मास ऑफ प्रोटोन प्रोटोन की वैल्यू होती है वन पॉइंट सिक्स सेवन टू इंटू टेन टूथ पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी वहीं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की वैल्यू होती है वन पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इंटू टेन टूथ पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मास की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है स्लाइटली ग्रेटर देन होती है न्यूट्रॉन की वैल्यू प्रोटॉन से वहीं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू होती है माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन कूलम्ब प्रोटोन पे वैल्यू होती है प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन कूलम्ब और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है इसमें अगला क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज तो इसमें हमें बताना है कि रेजिस्ट कॉपर की रेजिस्टिविटी एल्युमिनियम के कंपैरिजन में कैसी होती है लेस देन एल्युमिनियम मोर देन एल्युमिनियम इक्वल टू एलुमिनियम या नन ऑफ द तो इसका आंसर आ जाएगा लेस देन एल्यूमिनियम कॉपर की रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम से कम होती है कॉपर की रजिस्टिविटी की वैल्यू होती है कॉपर की रजिस्टिविटी की वैल्यू होती है माइनस एट ओ मीटर ओ मीटर रजिस्टिविटी की ऐसा SI यूनिट होती है वहीं एल्यूमिनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट टू पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस एट ओ मीटर यहां से हम देख सकते हैं कि कॉपर की रजिस्टिविटी एल्युमिनियम से कम है तो इसका आंसर है लेस देन एल्युमिनियम किसी एलिमेंट की रजिस्टिविटी जितनी कम होगी वह इलेक्ट्रिसिटी का उतना ही अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर की रजिस्टिविटी सबसे कम होती है इसलिए सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है इसमें अगला क्वेश्चन है द एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज डैश इन जर्मेनियम देन इन सिलिकॉन तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जर्मेनियम में सिलिकॉन के कंपैरिजन में एनर्जी गैप की वैल्यू कैसी होती है तो इसका आंसर आ जाएगा स्मॉलर। जर्मेनियम में सिलिकॉन की अपेक्षा एनर्जी गैप की वैल्यू स्मॉलर होती है जर्मेनियम के लिए जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू होती है जीरो पॉइंट सेवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहीं सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है वन पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन बोल्ट तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए सिलिकॉन की अपेक्षा एनर्जी गैप की वैल्यू कम है इसलिए इसका आंसर आ जाएगा स्मॉलर इसमें अगला क्वेश्चन है इन विच मटीरियल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्डेड टू दियर पेरेंट्स एटम्स तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट्स एटम से टाइटली बॉन्डेड किस मटेरियल में ज़्यादा होते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा इंसुलेटर इंसुलेटर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम से टाइटली बॉन्डेड होते हैं इसमें अगला क्वेश्चन है प्योर सिलिकॉन इज एन पी टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्टर इंट्रजेंजिक और एक्सट्रेंजिक सेमीकंडक्टर। तो इसमें हमें पूछा गया है कि प्योर सिलिकॉन किस टाइप का मटेरियल है तो इसका आंसर आ जाएगा इंट्रेंजिक सेमीकंडक्टर। प्योर सिलिकॉन एक इंटरेंजिक सेमीकंडक्टर होता है इंटरेंजिक सेमी हम उसे कहते हैं जो कि प्योर फॉर्म होती है किसी सेमी की सेमी कंडक्टर की प्योर फॉर्म को हम कहते हैं इंट्रेंजिक सेमी कंडक्टर यह है इसकी प्योर फॉर्म प्योर फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर यह होती है इंट्रेंजिक सेमी कंडक्टर वहीं एक्सट्रेंजिक सेमी कंडक्टर हम उसे कहते हैं जब इंट्रेंजिक सेमी कंडक्टर में कोई पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है एक्सट्रेंजिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब किसी इंट्रेंजिक सेमीकंडक्टर में ट्राईबेलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है जैसे बोरोन एल्यूमिनियम या गैलियम आदि तो उसे जो मटेरियल बनता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर का कहलाता है जब इंट्रेंजिक सेमीकंडक्टर में कोई पेंटाबेलेंट इंप्योरिटी जैसे फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी आदि मिलाई जाती है तो उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है